आज क्या करने जा रहे हैं? कंफर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय लिटमस पेपर एंड पीएच पेपर। आज मैं दो चीज दिखाऊंगा मैं। तो ये मेरे पास है लिटमस पेपर, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है, तो ये बोला जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। और दूसरा मेरे पास एक और लिटमस पेपर है, इसको बोलेंगे रेड लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर की आपको विशेषता पता है, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर एसिड को ड्रॉप किया जाए तो उसका कलर लाइट रेडिश हो जाता है, और रेड वाले के ऊपर अगर बेस को ड्रॉप किया जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसको भी हम गिरा के देखते हैं। मेरे पास एसिड और बेस के तौर पर क्या क्या है, मेरे पास एक बोतल में ये है प्लास्टिक सोडा, इसका कॉमन नाम याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला है NaOH, और दूसरा इसका केमिकल ये बेस है। इसे किस लिटमस पेपर के ऊपर चेक किया जाए? ब्लू के ऊपर। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर बेस को डालेंगे तो क्या होगा? दोनों पे डाल दो, कोई चेंज नहीं होगा। चलो तो करके देखते हैं। ये लिटमस पेपर हमारे थोड़े से पुराने हैं, अच्छा। तो हो सकता है कि इनका कलर उतना बढ़िया नहीं आए, तो बहुत बढ़िया कलर आया है। सर दिखाओ सर, सर हमें दिख नहीं रहा। सर दिखा दिखा, सर मैं ज़ूम कर ज़ूम कर, सर दिख नहीं रहा, बाकी सब तो ठीक है। सर दिख गया आपको डिफरेंस आप देख रहे हैं। बेस को डाला रेड लिटमस पेपर के ऊपर, कलर चेंज होकर ब्लू हो गया, ठीक है। चलिए अब लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर। सही मेरे को दे देना सर, मैं अभी कर रही हूं, आगे सजाऊंगी। सर फ्रेम करवाएंगे, केमिस्ट्री की टेस्ट याद है, पहला प्रैक्टिकल किया है आपके दिन जिंदगी या नहीं देगा क्या होगा क्या होना चाहिए। अब एसिड को डालने के लिए, अब हमें एसिड लेना है ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर। तो एसिड के तौर पे मैंने लिया है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, हाँ उसको गंदगी पड़ी हुई है, मैं भी ढक्कन खुला रह गया हूँ, कीड़े वगैरह कुछ नहीं है। देखिए रेड कलर में चेंज हो गया, दिख रहा है सबको? तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम एसिड के सॉल्यूशन की ड्रॉप रखेंगे तो इट विल चेंज इट्स कलर टू रेड, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अब एक काम हम और करते हैं, दूसरा काम करते हैं, मसाले रुक गया सारे मुझको देना। सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास जो स्ट्रिप है ये पीएच पेपर की स्ट्रिप है। पीएच पेपर की आपको मैंने रेंज बताई थी 0 से लेके 14 तक होती है, लेकिन हमारे पास जो पीएच है इसकी रेंज 2 से लेके 10.5 तक है। आपको स्ट्रिप में कलर दिए गए हैं, ये कलर इसमें लगे हुए हैं अलग अलग, तो हम इसके ऊपर एक ड्रॉप गिराएंगे और इससे कलर मैच करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है। आपको पीएच के बारे में चैप्टर में आगे बताया जाने वाला है, 10 से ज्यादा हुआ तो इसमें कलर यही जो दिख रहा है थोड़ा डार्क दिखेगा, आपको ज्यादा अंतर नहीं आएगा। डेफिनेटली कास्टिक सोडा का 10 से ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा, इसकी रेंज लिमिटेड है इसलिए। तो इसमें हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन भी यूज करते हैं कई बार। चलिए पहले मैं इसके ऊपर एसिड गिरा के देखता हूँ, ठीक है। मैंने एसिड गिरा दिया, अब मैं अपनी जो स्ट्रिप है इसे कलर मैच करूंगा। बताओ देखिए, अब आप बताइए 2 जिनका होता है पीएच वो एसिड होते हैं बेस एसिड, इससे पता चल गया कि सब्सटेंस एसिड होगा, ठीक है। अब इसका बेस और चेक करते हैं, अब इसी से चेक होना है सर, बदलनी नहीं, वहां में बदलनी पड़ी थी। देखिए ये मैंने बेस ले रहा हूँ कास्टिक सोडा, ठीक है। देखिए आपको कलर डिफरेंस क्लियर पता चल रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो 10 से थोड़ा ज्यादा ही आपको लगेगा, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये क्लियर हो गया।
तो आपको समझ में आया कैसे चेक कर रहे हैं? एक और कलर एसिड को और बेस को। देखो जो अभी आप जो कर रहे हो ये पुराने जमाने की चीजें हैं, नए जमाने के लिए। अब हम आपको अभी मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड है उसको मुझे बैटरी में लगाना है, चार्ज भी हो जाता है, और उसको बस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे वो तुरंत बता देता है इसका पीएच इतना है। तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं रहती, ठीक है। तो ये पुराने जमाने की है पर आपको बेसिक सिखाने के लिए सफिशियंट है। एक चीज में और करके देखते हैं, जो बेस है मैं उस जगह गिरा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे ऐसे नहीं चेंज कर दिया है कलर। तो आप ध्यान से देखें थोड़ा सा कलर ब्लूइश हुआ है उसका। अभी क्यों हुआ होगा? क्योंकि थोड़ा सा केमिकल अनरिएक्टेड बच गया होगा पीएच पेपर में, उसने रिएक्शन कर कलर चेंज किया है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसके ऊपर एसिड गिराते रहो तो उसको पहले पिंकिश कर दे फिर बेस गिराओ तो ब्लूइश कर दे, हजार बार ऐसा हो जाएगा। अब नहीं होगा कुछ भी, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, थोड़ा सॉल्यूशन बचा था। बार बार गिराओगे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत जितना बचा होगा वहाँ तक होता रहेगा, पर आप इसको 1000 बार करोगे तो नहीं होगा। तो अब एसिड गिरा दिया, अब नहीं हुआ। देखो सर अब तो वाइट हो गया, ठीक है, सही है, अच्छा है। समझ गए पीएच वाली एक्टिविटी।